दिया हुआ है 2x माइनस का 6y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण। और दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस का 9y प्लस का 15 इक्वल टू में 0, ये समीकरण दो ले लेते हैं। देखिए समीकरण एक से यहाँ से हम लोग 2x इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस का 6y माइनस 10, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 6y माइनस 10 बटा में 2। चलिए देखते हैं y बराबर अगर हम लोग रख दें 1 तो क्या हो जाएगा, x बराबर में 6 गुना 1 माइनस का 10 बटा में 2, यानी आ जाएगा x बराबर में 6 में से आपका 10 घटा देंगे माइनस का 4 बटा में 2 कट जाएगा माइनस का 2। अगर y बराबर में 2 रख दें तो x बराबर में हो जाएगा 6 गुना 2 माइनस का 10 और बटा में 2, यानी आ जाएगा ऊपर 12 में से 10 गया 2 बटा में 2 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है चलिए, तो इसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, दो हल निकाले हैं ना जी। चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, इसके लिए इसका एक चार्ट हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स का माइनस 2 आया है जब एक्स वाई का 1 रखे हैं, वाई का 2 रखने पे एक्स का 1 आया है। चलिए अब देखिए समीकरण 2 से 3x बराबर में आ जाएगा 9y प्लस का माइनस का 15, इन दोनों को इधर भेज दिए तो यानी x इक्वल टू में हो जाएगा 9y माइनस का 15 बटा में 3। ठीक है चलिए, तो एक काम करते हैं अब y की जगह पे यहाँ पे रख देते हैं 3, तो x बराबर में 9 गुना 3 माइनस 15 बटा में 3, तो x बराबर में आ जाएगा 9 तीन 27 माइनस का 15 बटा 3, तो 27 में से 15 जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा जी 12 और बटा में 3 4 आ जाएगा x का मान। चलिए अगर y बराबर में 4 रख दे तो x बराबर में 9 गुना 4 और माइनस 15 और बट्टा में 3, तो 9 36 माइनस का 15 बट्टा में 3, तो ऊपर आ जाएगा 21 बट्टा में 3 कट जाएगा 7, एक्स का मान 7 आ जाएगा। ठीक है तो चलिए अब इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बन रहे थे और फिर हम लोग इनका आलेख देखेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे भी हमने इसके दो हल निकाल लिए हैं। चलिए देखिए एक्स वाई, वाई 3 रखा तो एक्स 4 आ गया, वाई 4 रखा तो एक्स 7 आ गया। ठीक है चलिए अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग इसका आलेख देखते हैं यहाँ पे। चलिए ध्यान से देखिएगा, निगेटिव में तो उतना गया है नहीं, ये आपका एक्स एक्सिस और यहाँ ले लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस। ध्यान से देखिए एक्स एक्स डैश वाई और नीचे हम लोग वाई डैश ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, काफ़ी है 7 तक, है 7 तक ही क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस में कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1 माइनस 2 इतना काफ़ी है, माइनस 1 माइनस का 2। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, पहले वाले देखिए माइनस 2 कॉमा 1, एक्स का माइनस 2 और वाई का 1, फिर एक्स का 1 वाई का 2, एक्स का 1 और वाई का 2, तो इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली अगर आप रेखा ले जाएंगे तो ये रेखा देखिए किस तरह से जाएगी, ऐसे ही ना जाएगी जी, ठीक है। इसका समीकरण जो है वो लिख देते हैं, इसका समीकरण देखिए ऊपर क्या था, आपका समीकरण था 2x माइनस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस 6y प्लस 10 इक्वल टू में 0। दूसरे वाले के देखिए 4 3 4 3 कहाँ होगा, x का 4 वाई का 3, फिर उसके बाद देखिए 7 7 कॉमा 4, एक्स का 7 वाई का 4, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर रेखा खींचना चाहोगे तो रेखा ये ऐसे ही जाएगी, यानी एक दूसरे के ऊपर समपाती होंगे, और समपाती होने का मतलब है इसके अनेक हल होंगे अनंत हल होंगे। इसका समीकरण क्या था, 3x माइनस का 9y प्लस 15 इक्वल टू में 0,
संपाती है इसलिए इसके क्या हो जाएंगे, अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट